ये सशक्ती आवाज अपनों से मिलने के लिए तरसते लोग। इन दिनों इजरायली वासी किस दुख से गुजर रहे हैं इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। हमास के आतंकियों ने बड़ी संख्या में इजरायली नागरिकों को बंधक बना रखा है। ऐसे में उनके परिजन परेशान हैं। किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का भाई तो किसी के माँ बाप, सभी को इस जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इन लोगों से मिले और दुख की इस घड़ी में साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। यही नहीं, उन्होंने गले लगाकर उनका मनोबल भी बढ़ाया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के एक्स प्लेटफॉर्म से कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों और लापता लोगों के परिवारों से मुलाकात की। ये तस्वीरें वाकई बहुत भावुक कर देने वाली हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सभी का दुख दर्द समझा और उनका हौसला बढ़ाया ताकि इस कठिन समय में वो अपने आप को संभाल सकें। हाल ही में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गाजा सीमा पर फ्रंट लाइन का दौरा किया था। उन्होंने फ्रंट लाइन पर तैनात इजरायली सैनिकों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। अब इस युद्ध में किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। Thank you.